मौलाना फजलुर रहमान साहब है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये एक दफ़ा रायविंड आए। उस वक्त अब्दुल वहाब साहब दामत बरका रहमतुल्लाह अलैह, मुझे उनको रहमतुल्लाह अलैह कहा ही नहीं जाता, लगता वो जिंदा ही है। अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त रायविंड थे, रायविंड में ये अब्दुल वहाब साहब से मिलने के लिए तशरीफ लाए। अब हाँ, अब्दुल वहाब साहब एक लेजेंड था, लेजेंड। उनकी दुनिया के उलमा की नज़र में उनकी कदर, अल्लाह ने डाली हुई थी कदर थी। तो मिलने के लिए आए तो हाजी साहब ने उनको कहा, फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े आदमी, अल्लाह वाले आदमी, उनको कहा कि फजलुर रहमान, मेरी मुन्नी, हम तो लोगों को ये कह रहे हैं कि हुकूमतों से कुछ नहीं होता, हुकूमतों से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ये हुकूमतें शुकूमतें क्या होती हैं, ये आने जाने चीज़ें आती जाती रहती हैं, छोड़ो। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि भाई साहब बिल्कुल, ये हम भी यही कह रहे हैं कि हुकूमतों से कुछ नहीं होता, हम कौन से उनकी, भाई साहब ऐसे आदमी थे उनकी, जब मौलाना ने ये बात की, अभी भाई साहब तगड़े थे, तो मौलाना ने भाई साहब अब्दुल फजलुर रहमान साहब का गिच्ची पकड़ ली, गला पकड़ के नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा के ऊपर लेट गए उसके, वो जो साथ उनके वो गनमैन संग में, उन्होंने देखा ये बाबे ने टाले तो उत्ते चढ़ गया। तो मौलाना ने कहा बड़े परे हो जाए जो कर रहे हैं करने दे। तो ऐसा कहने लगी, निकम्मे, हुकूमतों के पीछे पीछे मारा मारा फिर रहे और कह रहे हुकूमतों से कुछ नहीं होता, हुकूमतों के पीछे तेरी सारी जान लग गई, तुम कहते हुकूमतों से कुछ नहीं होता,